नमस्कार, बीसी न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने राज्य भर के 5 जिला परिषदों और 33 पंचायत समिति की रिक्त हुई ओबीसी सीटों पर चुनाव करवाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ईंधन दर वृद्धि के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर की ओर से शहर के महल स्थित गांधी पुतला चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। पार्टी की ओर साइकिल रैली निकालकर ईंधन दर वृद्धि का विरोध किया गया। महल स्थित गांधी पुतला चौक से इस रैली का शुभारंभ हुआ और संविधान चौक पर समापन किया गया। भारत के इतिहास में शूरवीरों की चर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना अधूरी है। मुगलों को नाकों चने चबाने और भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाने में शिवाजी महाराज का योगदान अविस्मरणीय है। वैसे तो हर वर्ष शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन 6 जून को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग तिथि अनुसार भी शिवराज्याभिषेक जयंती मनाते हैं। इसी के चलते बुधवार को शहर में शिवराज्याभिषेक जयंती मनाई गयी। कोरोना की त्रासदी को कम करने के लिए सहायक माना जा रहा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए भले ही कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन अब तक इसमें कई तरह की रुकावटें आती रही है। फिर एक बार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 21 जून को 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू होने की घोषणा की थी, किंतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से इस दिन मनपा अभियान शुरू नहीं कर पाई। अब वैक्सीन मिलने के बाद बुधवार से 18 प्लस को वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया गया है। संकट में अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा करने वाली परिचारिकाओं को आज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। 2 दिन 2 घंटे तक आंदोलन करने के बावजूद आज तक प्रशासन की ओर से कोई भूमिका सामने नहीं आई, इसीलिए बुधवार से परिचारिकाओं ने दिन भर आंदोलन शुरू किया है। सर्वोच्च न्यायालय स्थानीय स्वराज संस्था में ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करे और मराठा आरक्षण की मांगों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से गुरुवार को पंतप्रधान और मुख्यमंत्री को निवेदन देगी। स्कूल और प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त हुए अभिभावकों की ओर से मंगलवार को पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रशासन बच्चों को मेहराब बनाकर पैसों की वसूली करने की कोशिश कर रहा है। तहसील के लेगांव में नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मां बेटी की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कामटी गाधा गांव निवासी मनीषा खुरपड़ी मां और बेटे अनिकेत दोनों उमरेड़ से अपने गांव वापस एक्टिवा से जा रहे थे। इस बीच लेगांव चौराहे पुलिस चौकी के पास इंडिका कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। पुराने विवाद को लेकर घर में घुसकर हत्या किए जाने का मामला जरीपटका थाना क्षेत्र में सामने आया है। मृतक का नाम शेषराव बंसोड़ बताया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भीमनगर नाराजोपड़पट्टी परिसर में शेषराव बंसोड़ अकेले रहता था। कुछ वर्ष पहले शेषराव का आरोपी अभय लांगी के साथ विवाद हो गया था, तब से आरोपी उसे जान से मारने का मौका ढूंढ रहा था। स्थानीय स्वराज संस्था के ओबीसी आरक्षण पर राज्य के पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य सरकार पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे, बार बार कहने के बाद भी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। बीसी न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।